वॉलनट जो हमारा जो ट्रेडिशनल ये वॉलनट्स है, क्योंकि वॉलनट का जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि अगर हम 100 पे भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो 25% सर्वाइवल होता है। इसमें मेन जो हमारा जो टोपोग्राफी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी जो ग्राफ्टिंग है कब करें, और जो है जो प्लांट जो मटेरियल है तो ये किस टेम्परेचर पे हमारा ज़्यादा सक्सेस होगा। इसलिए मैंने लिप्पा की बजाय यहाँ पे रिकॉन्गपियो में, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये लीज पे जगह लिया है, तो इस पे 3 सालों से रिसर्च का जो काम कर रहा हूँ ये 3 सालों से चला है। तो ये जो वॉलनट जो है हमारा, ये हमारे अपने किन्नौर का ही वॉलनट है, जैसे फॉरेनर्स के वॉलनट है, ये जो वॉलनट जो है इसको हम सुपर नट कहते हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा भी है और इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा है। और जहाँ इसको जब ग्राफ्टिंग करने की बात है, वैसे तो जो साइंटिस्ट कर रहे हैं तो उसको पॉली हाउस में कर रहे हैं, तो हमने ये थोड़ा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि पॉली हाउस में पॉली हाउस को बियर करें, उसमें काम किया जाए, ये थोड़ा ओपन स्पेस पे गया है। तो यहाँ पे जो ओपन स्पेस पे जो किया, तो इसका जो सक्सेस रेट देख रहे हैं, तो इसमें हमने 100 से ऊपर ग्राफ्टिंग किया था इसके ऊपर, तो 100 से ऊपर जब ग्राफ्टिंग किया था तो इसमें 35 पौधे सर्वाइव किया है। तो ये 35 पौधे सर्वाइव करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जल्दी से जल्दी इस पर फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग करने के जल्दी से जल्दी फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, सेब पे तो सारे लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सेब के अलावा भी हमारे को थोड़ा ट्रेडिशनल जो हमारा जैसे वॉलनट है, खमानी है, इन चीज़ों पे भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये जो वॉलनट है, तो मेन कंसेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम किन्नौर में जो लैंड है, जो लैंड काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो जंगल में भी हम इसको, हो सकता है कि हम जंगल में इसको 1-2 साल लगा दें, जंगल में इन्वायरमेंट को भी ये बनाए रखेगा, इन्वायरमेंट में जो हमारा जंगल भी बनेगा, तो उसमें क्या है, हम इसके जो फ्रूट्स है वो भी ले सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अजीत नेगी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो इन्होंने जो इतना अच्छा ये जो आपके इसके ऊपर जो रिसर्च किया इन्होंने अखरोट के ऊपर, और ये आजकल पूरे किन्नौर में हर जगह से ये इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी जो अखरोट है उसके जो उनके वेराइटीज अच्छे से अच्छे तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पहल किया इन्होंने। आजकल हम हमारे को अब सेब के अलावा हमारे को और एक कुछ और चीज़ों पे अब जाने की ज़रूरत है। सेब पे हम अकेले सेब पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो इसलिए इसके बावजूद बहुत बढ़िया बात है कि हम
हमारे डॉक्टर अजीत नेगी जी ने जो मैं आज यहाँ आया मैंने देखा और इनका काफ़ी बढ़िया जो इन्होंने जो जितना ये जो इधर जो अखरोट के जो प्लांटेशन किया उस तक इसके उस पर इन्होंने जो ग्राफ्टिंग किया है। हाँ, पर ये बता रहे थे कि थोड़ा रेशियो कम है इसका जो क्योंकि कुछ पल क्या प्लांट पूरा क्या सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा रेशियो कम है। पर ये इनका ये कहना है कि भैया यदि ये पॉली हाउस के अंदर होगा तो ये ज़्यादा और बेटर होगा, ये बता रहे हैं ये। तो चलो हम इन्हें बहुत क्या मुबारकबाद भी देते हैं डॉक्टर अजीत नेगी जी को जो अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है हम किन्नौर के लोग इस टाइम सेब के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने कंसंट्रेट कर रखा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन मेरा मानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज कर रहा है और जो प्रैक्टिसेस भी हमारे को उस हिसाब से अपनी चेंज करनी चाहिए। और सेब के अलावा हमारे को दूसरी वेराइटी दूसरी क्रॉप्स जैसे वॉलनट है, वॉलनट पे बहुत एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं आदे साहब डॉक्टर अजीत नेगी जी। अभी हमने उनसे काफ़ी कुछ सुना और काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे साथ शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस की क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अल्टीमेटली वो वॉलनट के ऊपर। पर सबसे बड़ी बात ये है कि वॉलनट के लिए हम आज की डेट में कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, चाहे प्लांटिंग मटेरियल है, क्योंकि प्रॉपर कल्टीवेशन वॉलनट की कश्मीर में हो रही है और किन्नौर में हम प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 पौधे और वो भी मैक्सिमम क्या है, वो पौधे भी हमने काट दिए हैं। एक सेब की जो अंधाधुन दौड़ है उसके चक्कर में हमने वो भी काट दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सेब के अलावा जहाँ भी हमारे पास अगर जो पेरीफ्री है, ऑर्चर्ड पेरीफ्री है या जो हमारे पास स्पेयर लैंड है, चाहे हमारे पास जो अनयूज्ड लैंड है, वहाँ हमारे को वॉलनट पे काम करना चाहिए। ये दिस इज़ माय टेक।